नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग चैनल में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जो अभी जस्ट 3 घंटे पहले न्यूज आया, अपडेट आया कि कंपनी जा रही है फंड रेज करने। वो भी छोटा मोटा फंड नहीं, 1,18,000 करोड़ रुपए का फंड रेजिंग करने जा रही। वो भी कौन से सेक्टर की? NBFC सेक्टर की कंपनी, वो अपने सेक्टर की दिग्गज कंपनी कह सकती हो। वो भी छोटी कंपनी नहीं है, सरकारी कंपनी कह सकते हो, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। और वो कौन सा शेयर हो सकता है उसके बारे में सब कुछ डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। चलते हैं, पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं। कंपनी कौन सी है? कंपनी है पावर फिनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखिए, पहली बात तो समझिए कि कंपनी फंड रेजिंग करती क्यों है। उसके पीछे 2 से 3 कारण हो सकता है। पहला जो कारण होता है कि कंपनी के ऊपर डेट, बहुत सारा डेट हो, उस डेट को खत्म करने के लिए फंड रेज करती है। और दूसरा क्या हो सकता है, कंपनी अपने अपने कंपनी में कुछ डेवलपमेंट करने वाली हो, या इंडस्ट्री को बढ़ाने वाली हो, या कुछ प्लान हो उनका, ठीक है, इसलिए कंपनी फंड रेजिंग करती है। और किसके थ्रू फंड रेज कर सकती है? बॉन्ड के थ्रू कर सकती है, और QIP के थ्रू कर सकती है, और ओपन फॉर सेल के थ्रू कर सकती है, ठीक है। तो इसके थ्रू कंपनियां क्या करती हैं, फंड रेज करती हैं, ठीक है। अब PFC के बारे में, आपकी स्क्रीन में PFC आ ही गया है, तो आप समझ चुके होंगे कि कंपनी कौन से सेक्टर की है। कंपनी एक पावर फिनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड NBFC है, जो पावर सेक्टर से जो रिलेटेड होती है, पावर सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। और वहाँ पे क्या करती है, लोन प्रोवाइड कराती है। REC जितने भी पावर से रिलेटेड कंपनियां, उनको क्या करती है, फंड प्रोवाइड कराती है पावर फिनांस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। ये रही कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। वही कंपनी की हम बात करें तो देखिए, कंपनी के बारे में आप जानेंगे तो कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है, या जो भी कहो, सब कुछ अच्छा है। बट इसमें एक ही सबसे बड़ी दिक्कतें हैं, वो भी किसका? डेट का। डेट इस पे बढ़ चुका है, बहुत अच्छा खासा डेट हो चुका है। 1 से 1.5 लाख करोड़ के आसपास डेट बढ़ा है इसमें, 1 लाख करोड़ के आसपास इसमें डेट बढ़ा। उस डेट को खत्म करने के लिए कंपनी फंड रेजिंग करने जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, कंपनी में दिक्कतें नहीं है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है, मुनाफा डे टू डे इंक्रीज हुआ है। आप एक चीज और समझिए, जब यहाँ पे डेट कम होगा तो ऑटोमेटिक और ही कंपनी में ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो नेट इनकम में, यहाँ नेट इनकम और बढ़ जाएगा तो कंपनी को और अधिक प्रॉफिट होगा। जब कंपनी को अधिक प्रॉफिट होगा तो यहाँ पे जो कंपनी डिविडेंड बांटती है, वो जबरदस्त डिविडेंड देगी। और डिविडेंड इस टाइम कितना देती है वो भी देख लेते हैं, 9.5 रुपए। डेट के बावजूद भी 9.5 रुपए देगी। जब डेट खत्म हो जाएगा तो कंपनी कितना देगी, इससे बढ़ कितना हो जाएगा, 13 से 14 रुपये हो सकता है। मतलब कि आपको 7 से 8% या 9% तक जो करंट प्राइस से आपको मिलेगा, डिविडेंड मिल सकता है। तो ये जो शेयर है, इसमें हम लंबे टाइम के लिए दाव खेल सकते हैं, अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के, ठीक है। ये रहा कंपनी का थोड़ा सा जबरदस्त वाला पॉइंट, ठीक है। मुझे से कहते हैं ना, मुनाफा वाला चीज है, तो इसमें मोमेंटम देखने को मंडे को मिलेगा। क्यों? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन फंड रेजिंग था, और लोग इसमें दबा के माल खरीदेंगे, ठीक है। आप भी इसमें माल लेके बैठ सकते हैं। अब चलिए न्यूज पे बात कर लेते हैं। न्यूज आपके सामने है, मतलब 3 घंटा पहले मैंने आपको बताया था, 3 घंटा पहले ये न्यूज आया था कि कंपनी क्या कह रही है कि जो कंपनी के ऊपर डेट है उसको खत्म करने के लिए 1.1 लाख करोड़ का फंड रेस करने जा रहा है। वो भी किसके थ्रू? बॉन्ड के थ्रू, रिटेल बॉन्ड के थ्रू कंपनी फंड रेस करने जा रहा है। तो जो इसका बॉन्ड होगा ना, हाथों हाथ बिकेगा, क्योंकि ये कंपनी अपने सेक्टर की एक लौती कंपनी है जो फंड प्रोवाइड कराती है पावर सेक्टर की कंपनियों को, ठीक है। तो इसमें आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा चांस है इसमें माल उठाने का। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि न्यूज क्या था, ठीक है। कहीं आपको न्यूज और देखना है तो मैं क्लिक करके देख लेते हैं, ब्रीफ कर लेते हैं।
है ना, पीएफसी प्लान टू रेज 1.1 लाख ट्रिलियन आईज डोमेस्टिक रिटेल बॉन्ड मार्केट, मतलब बॉन्ड के थ्रू निकालने वाली, वो भी रिटेल बॉन्ड के थ्रू पैसा फंड रेस करने वाली है। ठीक है, डिटेल में देखेंगे तो सब कुछ है, कितना रेस करेगी, 83,000 करोड़ के आसपास बॉन्ड रेस करेगी, 83,000 करोड़ के आसपास बॉन्ड रेस करेगी, जिससे वो अपना क्या करेंगी, फंड रेजिंग प्लान इज टू मेक अप फॉर द लॉस बोरोइंग ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू मंथ ऑफ द लॉकडाउन, मतलब जो लॉकडाउन में जो दिक्कतें आई थी, जिससे लॉस हुआ था, उस लॉस को रिकवर करने के लिए कंपनी फंड रेजिंग करेंगी। देखिए अभी तो स्टार्ट हुई है, अभी जितने भी बड़े बड़े कंपनियां ना, सब फंड रेज करेंगी, सब फंड रेस करेंगी अपने लोन को चुकता करने के लिए, जो भी दिक्कतें उसको खत्म करने के लिए। आई थिंक आपको इन्फॉर्मेशन पता अच्छा लगा होगा कि फंड रेजिंग कंपनियां क्यों करती हैं, और इन्फॉर्मेशन भी अच्छा होगा आपके लिए। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दे लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।